एक दुर्घटना में अपने हाथ गंवाने के बाद 14 वर्षीय गोपाल दीक्षित ने अपने पैरों का सहारा लेकर आगे का जीवन यापन करने की ठानी है। जिस बच्चे के कार्य को देखकर अब लोग भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। दरअसल कन्नौज जिले के जलालाबाद गांव निवासी 14 वर्षीय गोपाल ने 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने के बाद अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन यह घटना गोपाल के हौसलों को कम नहीं कर सकी और गोपाल ने पैरों से लिखने में महारत हासिल की। हम बॉल खेल रहे थे, बॉल ट्रांसफार्मर के पास चली गई, 11,000 लाइन थी, उसने पकड़ के खींच लिया, कोई सेफ्टी थी नहीं ट्रांसफार्मर के पास। उसके बाद हमें खुद नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, पापा ले गए हॉस्टल, वही फिर वही पैर से खाना खाते हैं, पैर से लिखते पढ़ते, पैर से सारा काम पैर ही करते हैं। हाँ, पैर से कपड़े नहीं पहन पाते हैं और नहाने धोने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। गोपाल अपने पैरों की मदद से लिखाई पढ़ाई के साथ ही सभी काम कर लेते हैं, जबकि कुछ कामों में दिक्कत भी होती है, लेकिन गोपाल को उनके हौसले के आगे सभी काम आसान लगते हैं और अब भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने हुनर को गोपाल ने साबित भी कर दिया है। ये करीब 2008 में इसका ये लाइट से एक्सीडेंट हुआ था। गेंद खेलते खेलते गेंद ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गई थी और ट्रांसफार्मर खुले मैदान में रखा हुआ था, उसकी कोई सेफ्टी नहीं थी, तो वही ये खेलते खेलते वहाँ गया तो ट्रांसफार्मर से जैसे ही इसने ट्रांसफार्मर के पास हाथ बढ़ा के गेंद उठाने को किया तो ट्रांसफार्मर में जो लाइट थी 11,000 की लाइन थी तो उसने खींच लिया। जैसे ही खींचा तो लाइट वो उसमें चिपक गया, दोनों हाथ उसके जल गए। तो वहाँ से करीब 1-2 घंटे तक ये बेहोश पड़ा रहा, पास में खेत था उसी में। उसके बाद इनको ले जाकर वहाँ रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती कराया गया, वहाँ से कुलवंती हॉस्पिटल में गया, कुलवंती से रिफ़र किया तुलसी हॉस्पिटल में, इनके दोनों हाथ डॉक्टर ने काटने के लिए बोला था। गोपाल के चाचा ने बताया कि 2008 में बिजली के ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आने से गोपाल गंभीर रूप से झुलसा था, जिसको उपचार के दौरान दोनों हाथ गंवाने पड़े। हालांकि गोपाल के आत्मनिर्भर बनने में परिवार का भी सहयोग मिल रहा है। न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।